नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आज से बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निरंतर काम कर रही है। इस पर बीजेपी विधायकों ने यह कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूलों में शिक्षक और बिल्डिंग नहीं है। इस पर आरजेडी ने जवाब दिया कि अडानी से मांग लीजिए। एमएलसी मुन्नी देवी ने कहा, जाइए मोदी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगिए। साथ ही सदन में जय भीम के नारे भी लगाए गए। वहीं बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से बदल देने का समय आ गया है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास की बातें हो रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश के पीएम पद से हटाने के बाद उनके जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं सोचना चाहिए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की ही तरह हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, इससे अच्छा देश में राष्ट्रपति शासन लग जाए। सुधाकर सिंह ने कहा कि जेडीयू लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, तेजस्वी यादव बिहार के लिए उपयुक्त मुख्यमंत्री हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव झूठ बोलने में विश्व चैंपियन है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही झूठ बोलकर जनता को बरगलाते रहे हैं, लेकिन अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने जनता के हाथ में वह हथियार दे दिया है जिससे वह एक मिनट में लालू जैसे नेताओं का झूठ पकड़ लेते हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गोयबल्स के चेले लालू प्रसाद झूठ बोलने में वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए वे बिना प्रमाण के कुछ भी बोल सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंचालक और मनीषी विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में दलितों और उनके काशी विश्वनाथ मंदिर प्रवेश के विरुद्ध कोई बात नहीं लिखी गई है। लालू प्रसाद ने विद्वेष फैलाकर हिंदू समाज को बांटने के लिए झूठी बात कही है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए विवादित बयान दिया है। अपने को गरीब बताने वाले पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कथित अमीर लोगों का घिनौना मजाक उड़ाया है। गया के गांधी मैदान में आयोजित गरीब जगाओ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पति पत्नी अलग रहने के दरमियान भी चिट्ठी के माध्यम से अमीरों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग करते हुए मांझी ने कहा कि अब दलित आदिवासियों का प्रतिशत 32/34 हो चुका है, इसलिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। मांझी ने कहा कि हम गरीब लोग पति पत्नी साथ रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अमीर लोगों में पति अलग शहर में रहता है तो पत्नी दूसरे शहर में, इसलिए बच्चे कम पैदा होते हैं। मांझी ने कहा कि अमीर के बच्चे चिट्ठी के माध्यम से भी पैदा हो जाते हैं। गरीब रह रहे अपन बाल बच्चा भाव बड़े के साथ, तो साथे रहते जी तो बचवा जाते हो जा रहे, और अमीरों को रह रहा है तो कलकत्ता को दिल्ली को पढ़ना संविधान एक विधान सभा में कहा केवी साहब मक्खिया नारायण और केवी साहब में झगड़ा हो जाए यही बात पर जनसंख्या में केवी साहब के साथ बैठा हुए और जनसंख्या पर बहस हो रहे थे कहा कि ये चीफ मिनिस्टर कौची कह के जो साथ हो बाल बच्चा है तो ये कौची जनसंख्या के अनुरोध करेंगे, तो वो जवाब दे रही थी कि भाई हम तो औरत के साथ रहते हैं, अरे हम लोग का सामान हो जाता है बाल बच्चा पैदा हो जाता, लेकिन बिहार के छपरा में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया, जहां मुढ़ौरा के हुसेपुर में एक महिला को सांप ने डस लिया, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़कर बोरे में बंद कर लिया। सांप काफी जहरीला बताया जा रहा है, फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है, महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। और इसी के साथ ही बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।